फ्रेंड्स, दिस इज मेघार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत द ग्रेट इंडियन कपिल शो। जब से शुरू हुआ है तभी से लोगों के जीवन में फिर से बहार सी आ गई है। दिन भर की थकावट चुटकियों में दूर हो जाती है। अब तक इसमें कपूर खानदान, क्रिकेटर कौशल ब्रदर्स एंड मिस्टर आमिर खान भी आ चुके हैं। तो अब देओल फैमिली से सनी और बॉबी कर रहे हैं शिरकत। जी हाँ, इसी बीच धर्मेंद्र के दोनों लाडले इस बार जमकर हंसाएंगे, जिसका प्रोमो रिलीज हो चुका है और वो वाकई मजेदार है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के प्रोमो में बॉबी देओल और सनी देओल स्वैग के साथ एंट्री करते हैं और कहते हैं कि वो साल 1960 से लाइमलाइट में है, लेकिन साल भर कोशिश करने के बावजूद कुछ अच्छा हुआ नहीं। फिर सनी ने कहा है कि उनके बेटे की शादी हुई, गदर 2 आई, उसके पहले पापा की मूवी आई, कुछ यकीन नहीं हो रहा था कि रब की इतनी मेहरबानी कहां से बरसने लगी। उसके बाद एनिमल आई तो ऐसे लगा कि हमने फतेह ही कर दी। इसी बीच बॉबी को रोते हुए भी देखा गया है। बॉबी अपने आंसू पोंछते हुए दिखाई दिए। इसके बाद कृष्णा अभिषेक एनिमल के रणवीर बनके स्टेज पर एंट्री करते हैं तो सुनील ग्रोवर अपने चुंबक के किरदार में सनी के साथ पंजा लड़ाते दिखाई देंगे। वहीं बॉबी देओल कहते हैं कि इस असल जिंदगी में अगर कोई सुपरमैन जितना मजबूत है तो वो है भैया सनी देओल। ये सुनकर एक्टर खुद को बाहुबली कहते हैं। इतना ही नहीं, स्टेज पर बॉबी और रणवीर के उस फाइट सीन को भी कृष्णा फिल्माते हैं जिसमें रणवीर के ऊपर वो लेटते हैं। इसी बीच सनी देओल अपने पापा धर्मेंद्र का एक पोल खोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि पापा कहते थे आओ मेरे साथ बैठो, मेरे को दोस्त बनाओ, और मैं कहता हूँ कि पापा अगर मैं दोस्त बनाता हूँ आपको, मैं सारी बात बताऊंगा तो आप पापा बन जाते हो। आखिर में बॉबी देओल कहते हैं देओल बहुत ही रोमांटिक है, हमारा दिल भरता ही नहीं। ओ देओल ब्रदर्स तो रॉक्स करने वाले हैं, तो वहीं जमकर मस्ती भी करने वाले हैं। थोड़ा इमोशनल, थोड़ी मस्ती और जमकर ठहाके लगाते दिखेंगे इन लोगों के साथ सभी लोग। जी हाँ, और सभी लोग टेंशन भी भूल जाएंगे। तो बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।